नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं शिक्षा विभाग की खबरों की और बिहार में शिक्षा जगत में क्या कुछ खास हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। पहली खबर हम बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा 2 होना है उसके लिए अब शिक्षा विभाग प्लानिंग कर रही है कि जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा ली जा सकती है। वहीं बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 1 में बैठे थे और पास कर गए, अब उनको स्कूल ज्वाइनिंग और वेरिफिकेशन को लेकर तमाम चीजें हो रही, यानी कि 4 जून के बाद आपके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन और स्कूल पोस्टिंग का भी कार्य होगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि अब सक्षमता परीक्षा 2 का इंतजार नहीं करेंगे, जो पास कर गए हैं उनको पहले हम पोस्टिंग कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक 2 दिनों से इन दिनों भ्रम जाल में फंसे हुए थे, कई ऐसे चीजों को उनके पास परोसा गया, दिखाया गया, बताया गया कि अब आपको वेरिफिकेशन से पहले आपको स्कूलों में पोस्टिंग कर दिया जाएगा, जो बिल्कुल फेक बातें आ रही थी। कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने फोन भी किया लेकिन उन्हें समझाने का काम किया कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। फिलहाल हम आपको बता दें कि निजी स्कूलों पर नकेल कसले की तैयारी है, बिना रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों की टीसी अब मान्य नहीं होगा। इस शिक्षा पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन टीसी जारी करने पर दर्ज होगा FIR। वहीं राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के मई 2024 में मासिक परीक्षा के संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। 29 और 30 मई को मासिक परीक्षा ली जाएगी सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में। वहीं जून के दूसरे सप्ताह में होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। जून के अंत तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का होगा पदस्थापन। 3 जून तक सभी जिलों से विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। विभाग ने बदला निर्णय, दूसरी सक्षमता परीक्षा का इंतजार नहीं करेगा विभाग। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का जून के अंत तक जो है दूसरे सप्ताह तक काउंसलिंग भी की जाएगी और तैयारी भी चल रही है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों के रिक्त पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दे ताकि संबंधित पोर्टल पर इसे अपलोड किया जा सके। नए स्कूलों में योगदान के साथ ही इन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा और ये सरकारी कर्मी हो जाएंगे। विभाग ने कहा है कि लगातार इसको लेकर काम चल रहा है और जून महीने में पोस्टिंग वगैरह सभी हो जाएंगे और जून के अंतिम सप्ताह में सक्षमता 2 की भी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। इधर शिक्षिका को सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। एक शिक्षिका को सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के खिलाफ टिप्पणी करना महंगा पड़ा। संबंधित शिक्षिका का 7 दिनों का वेतन काटा गया है। संबंधित शिक्षिका श्रीमती सीमा कुमारी यहाँ बाकीपुर राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नगर माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस के मुताबिक उनके द्वारा 16 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिक्षा विभाग और सरकार के विरुद्ध अनावश्यक टिप्पणी की गई थी। वहीं 76 अधिकारियों के वेतन पर लगी रोक हटा दी गई है। आपको बता दें कि राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित शिक्षा विभाग के 76 अधिकारियों के अप्रैल माह के वेतन भुगतान पर लगी रोक हटा दी गई है। इन 76 अधिकारियों में सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल हैं। तो इस प्रकार से पदाधिकारियों को राहत दी गई है। तो राजकर्मी बनने को 187,615 शिक्षकों की काउंसलिंग अगले माह जून में होगी। शिक्षा विभाग ने 3 तक मांगी है सभी रिपोर्ट है। वहीं हम आपको बताते चले अगली खबर के रूप में कि मान्यता प्राप्त डीएलएड संस्थानों की सूची जारी कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। समिति ने कहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए एनसीटी मान्यता प्राप्त और सभी परीक्षा समिति से सम्मिलित संस्थानों में स्वीकृत सीटों की संख्या समिति के वेबसाइट पर अपलोड है। वहीं हम आपको बताते चले 28 को जारी हो सकती है नीट यूजी की आंसर की। अगली खबर यह आ रही है कि लगातार बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कई अहम फैसले सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा लिए जा रहे हैं।
वहीं लेटरल एंट्री के नामांकन के लिए 30 तक आवेदन आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्नातक पारा मेडिकल में पारा मेडिकल जो है पाठ्यक्रम को लेकर पारा मेडिकल और स्नातक पाठ्यक्रम डिग्री पाठ्यक्रम में लेटरल एंट्री LE में होने वाले नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि विस्तारित कर दी गई है। अब छात्र छात्राएं अब 30 तक कर सकते हैं। वहीं MBBS सप्लीमेंट्री परीक्षा पर सवाल, निजी पास सरकारी फेल विद्यार्थियों का आरोप, कई को 5 तो कुछ को 10 अंक दिए गए हैं, बड़ा आरोप लगाया गया है। वहीं बिना पंजीयन वाले स्कूल जो है, बिना पंजीयन वाले निजी स्कूलों की TC मान्य नहीं होगी। फर्जी TC की जारी करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी, दर्ज कराई जा सकती है प्राथमिकी। कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाई करने वाले 3500 स्कूल संचालित हो रहे हैं बिहार पटना जिले में। DO ने की अभिभावकों से अपील कि इस तरह से आप बचे और पंजीयन वाले स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाएं। वहीं परीक्षा समिति 27 से लेगी कक्षा 9 और 10वीं की मासिक परीक्षा। तो लगातार परीक्षा के भीतर शुरू हो रहा है। तो वहीं शिक्षक बीते दिन से ही काली पट्टी लगा कर रहे हैं गया जिले में काम, या शुक्रवार से ही कहा जा रहा है। जिलाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि काली पट्टी लगाकर कार्य करने का निर्णय बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा लिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के सीधे वेतन भेजने के प्रस्ताव पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय की आपत्ति। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षक कर्मियों के वेतन भुगतान का मामला है, तो यह मामला लगातार जो है उधमपुर में चल रहा है। वहीं बैठक में DPO बोले, ये सब शिक्षक बनने लायक नहीं, सभी गधा है और भड़क और इस पर भड़क गए शिक्षक। नीट परीक्षा के मॉक टेस्ट को लेकर जिला स्कूल में शिक्षक और HM की चल रही बैठक में DPO के आपत्तिजनक शब्द पर हंगामा, बैठक का बहिष्कार किया गया। अब उसके बाद शिक्षक पर भी कार्रवाई को लेकर लेटर निकाल दी गई है। इधर बच्चों को FLN किट नहीं मिली तो सस्पेंड होंगे HM। समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित गतिविधियों की हुई समीक्षा, नियमित मासिक गुरुगोष्ठी के आयोजन का आदेश भी गया में दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पाठक की तानाशाही के कारण डिप्रेशन में चल रहे हैं शिक्षक। घटना पर दुख प्रकट करते हुए जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अब्दुल कुद्दुस ने कहा कि शिक्षकों की लगातार दुर्घटना से मौत हो रही है, शिक्षक पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान हैं। बाइक से गिरी शिक्षिका, इलाज के दौरान मौत हो गई है। शिक्षिका रुखसाना खातून के निधन से शिक्षकों में शोक है। लगातार इस तरह की दुर्घटनाओं से शिक्षकों में भय का माहौल है। इधर शिक्षिका की वेतन कटौती पर जताया आक्रोश बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की नगर माध्यमिक शिक्षिका सीमा कुमारी के सोशल मीडिया के बयान देने पर उनके वेतन कटौती पर लोगों ने विरोध आक्रोश व्यक्त किया है। कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए, अधिकार का हनन हो रहा है। तो लगातार बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए यह खबर आ रही है कि सक्षमता 2 जून महीने के अंत में होगा या जुलाई महीने के फर्स्ट सप्ताह में लिया जा सकता है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपके बीच हमने लेकर आने की कार्य किया है। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।